तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रेडियो पर गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट सुनते हैं कि देश में रिसोर्सेज बहुत कम रह गए हैं, खाने पीने की भी किल्लत हो गई है, इसलिए गवर्नमेंट को बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को मजबूरी में मारना होगा ताकि पॉपुलेशन यानी कि आबादी और न बढ़े और बचे हुए लोग ठीक से जी पाएं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत से ऐसे लोगों को एक जगह पर लाया था जिन्हें गवर्नमेंट मारने वाली थी। उन्हीं लोगों में एक कपल था। उस लड़की का नाम मिया था जो कि माँ बनने वाली थी और उसके हस्बैंड का नाम निकू था। इसके बाद वो सब लोग एक कंटेनर में बैठकर इस देश को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद मिया का हस्बैंड उसे एक चॉकलेट देकर कहता है कि तुम इसे तब खाना जब हम दूसरे देश में सही सलामत पहुंच जाए। इस कपल की एक बेटी भी थी जिसे पुलिस वालों ने मार दिया था। तभी अचानक से कोई वहां आकर उस कंटेनर का गेट खटखटाने लगता है। जब मिया का हस्बैंड उसका गेट खोलता है तो उस कंटेनर में और भी बहुत से लोग आ जाते हैं। कंटेनर में स्पेस ना होने की वजह से बाहर खड़ा एक आदमी जिसके पास गन होती है वो आधे लोगों को उस कंटेनर से बाहर आने को बोलता है और कहता है कि हमारे पास और भी कंटेनर हैं, बाकी के लोग उसमें जाएंगे। और वो आदमी जबरदस्ती मिया के हस्बैंड को भी बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से मिया और निकू एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद निकू मिया से फोन पर बात करके कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, वहां जाकर हम फिर से मिलेंगे। तुम बस किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना और अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद वो लोग मिया के कंटेनर को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि पुलिस वाले बहुत से बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को मार रहे होते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में पुलिस वाले उस गाड़ी को रोक देते हैं और उसकी तलाशी करने लगते हैं, लेकिन उस कंटेनर में छुपने की एक जगह थी जहां पर सभी लोग छुपे हुए थे। जब पुलिस वाला एक गोली चलाता है तब उसे पता चल जाता है कि इसमें कुछ लोग छुपे हुए हैं। मिया अपनी जान बचाने के लिए उस कंटेनर में रखे कुछ डब्बों पर चढ़ जाती है। तभी उसमें से एक लड़की डर के मारे उस कंटेनर का गेट खोल देती है। तभी वो ऑफिसर उसके साथ बाकी लोगों को भी मार देता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इन लाशों को ठिकाने लगाकर कंटेनर को साफ कर दो और उसे एक शिप में भेज दो। इसके बाद ऐसा ही किया जाता है। अब क्योंकि मिया उन बॉक्सेस पर चढ़कर उनसे छुपी हुई थी इसलिए वो मरने से बच गई थी। अब वो अकेली ही उस कंटेनर में बची थी और उसके पास उन मरे हुए लोगों का सामान भी था जिनमें कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ औजार थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस रात एक तूफान आने की वजह से वो कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है जिसकी वजह से मिया का सर एक बॉक्स से टकराने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बाकी कंटेनर्स के साथ मिया का कंटेनर भी समुद्र में गिर गया है। वो निकू को भी कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका फोन भी टूट चुका था। फिर वो बाहर देखती है कि 107 नंबर का कंटेनर जिसमें निकू था वो पानी में डूब जाता है। ये देखकर मिया को बहुत रोना आता है और वो सोचती है कि अगर उसका हस्बैंड ही जिंदा नहीं रहा तो वो भी अब जीकर क्या करेगी। लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो मरने का इरादा छोड़ देती है। इसके बाद वो उस कंटेनर के छेदों को बंद करने लगती है ताकि पानी अंदर ना आ पाए और उन बाकी लोगों के सामान का यूज करके उस कंटेनर को अपने रहने लायक बना लेती है। इसके बाद मिया को निकू का फोन आता है। वो उसे बताता है कि उसे उस 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल लिया गया था, यानी कि वो अभी जिंदा है। ये सुनकर मिया को बहुत खुशी होती है। मिया भी उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। फिर उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो दोनों फोन रख देते हैं। इसके बाद फिर से वहां पर एक तूफान आता है जिससे उस कंटेनर में पानी भरने लगता है। तभी अचानक से मिया को पेन होने लगता है जिसकी वजह से उसका बच्चा कंटेनर में भरे पानी में ही पैदा हो जाता है, जो कि एक बेटी पैदा हुई थी। मिया अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। मिया की हालत भी अब पहले से थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन उसके पास अब खाना खत्म होने लगा था। इसकी वजह से मिया को घबराहट होने लगती है। फिर वो वहां पर रखी एक ड्रिल मशीन और चाकू से उस कंटेनर का ऊपर का हिस्सा काटकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रिल मशीन और चाकू दोनों ही खराब हो जाते हैं। ऐसा करते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसके पास अब पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था और वो समुद्र का खारा पानी भी नहीं पी सकती थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी अचानक से जब उस कंटेनर में बारिश का पानी गिरने लगता है तो मिया को होश आ जाता है और वो जैसे तैसे करके उस कंटेनर के उस कटे हुए हिस्से को एक कपड़े की हेल्प से जोर से खींचती है जिससे वो हिस्सा मुड़कर खुल जाता है। इसके बाद मिया जल्दी से बारिश का पानी छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स में कलेक्ट करने लगती है ताकि बाद में उसे पीकर जिंदा रह सके। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर
उस कंटेनर के ऊपर आ जाती है जिससे अपनी बेटी को थोड़ी धूप दिखा सके। इसके बाद वो उस समुद्र की मछली पकड़ने का सोचती है ताकि उन्हें खाकर जिंदा रह सके, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है। तभी वो देखती है कि आसमान में एक प्लेन जा रहा था। वो एक मिरर की हेल्प से उस प्लेन की तरफ एक सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्लेन भी वहां से चला जाता है। इसके बाद वो थक हार कर वहां रखे कुछ ईयरफोन्स की हेल्प से एक मछली पकड़ने का जाल बना लेती है और रोज उस जाल की हेल्प से मछलियां पकड़कर उन्हें कच्चा ही खाने लगती है और कुछ मछलियों को अपने पास जिंदा भी रख लेती है ताकि बाद में उन्हें खाया जा सके। इसके बाद मियां के पास निको का फोन आता है। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, मुझे गोली भी लगी है, मैं बहुत मजबूर हूँ। फिर मियां उसे कहती है कि हमारी एक बेटी हुई है। जब वो उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाने की कोशिश करती है तभी अचानक से उसका फोन भी बंद हो जाता है। इसके बाद मियां बहुत रोती है और ऐसे ही तकलीफों में उस कंटेनर में रहते हुए 32 दिन गुजार लेती है। एक दिन मछली पकड़ते हुए वो एक पक्षी को देखती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि यहीं कहीं आसपास जमीन भी होगी। उसी रात उस कंटेनर में पानी भरने लगता है। उस पानी में मियां की बेटी की तस्वीर गिर गई थी। जब मियां उसे लेने जाती है तो उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है। इसी दौरान उसकी बेटी भी पानी के साथ समुद्र में बह जाती है। जब मियां उसे बचाने की कोशिश करती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेटी कहीं समुद्र में खो गई थी। मियां अपनी बेटी को पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढने लगती है। तभी एक व्हेल मछली उसकी बेटी पर पानी फेंकती है जिससे वो रोने लगती है। उसकी आवाज का पीछा करते हुए मियां अपनी बेटी को ढूंढ लेती है और चैन की सांस लेती है और अपनी बेटी के साथ ही उसी समुद्र में सो जाती है। अगली सुबह उसके आसपास कुछ पक्षी होते हैं। मियां उनके लिए कुछ मछलियों को पानी में फेंक देती है जिससे चारों तरफ वो पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। तभी कहीं दूर से एक लड़की जो कि एक बोट में होती है वो उन पक्षियों को देखकर समझ जाती है कि वहां पर कोई है, तो वो लड़की अपनी बोट को उसकी तरफ ले जाती है। मियां तो पानी में डूब गई थी लेकिन उसकी बेटी अपनी छोटी सी बोट में अभी भी तैर रही थी। वो लड़की मियां की बेटी को बचा लेती है। फिर वो देखती है कि उस बोट की रस्सी से कोई बंधा हुआ है, वो मियां ही थी। फिर ये लोग मियां को भी पानी से बाहर निकाल लेते हैं। मियां बेहोश थी, ये लोग उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं। आखिरकार मियां को होश आ जाता है। होश में आते ही मियां अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। फिर वो लोग मियां की बेटी को उसकी गोद में रख देते हैं। फिर वो लोग मियां को बचाने के लिए मेडिकल हेल्प भी बुलाते हैं। इस मूवी में हमें एक माँ के संघर्ष को दिखाया गया है कि किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए वो सब भी कर जाती है जिसके बारे में उसने आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।